एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का निर्णय, शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं। उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, असली पार्टी पर उद्धव गुट की दलील को किया गया रद्द। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोले, एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं। महाराष्ट्र स्पीकर बोले, शिंदे गुट ही असली शिवसेना, 21 जून 2023 से शिंदे ही पार्टी के वैध नेता। राहुल नार्वेकर बोले, एकनाथ शिंदे नियमों के तहत ही पार्टी बना चुके हैं, शिंदे को मिला है 37 विधायकों का समर्थन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान, कहा वो फिर मारेंगे पलटी, 13 विधायकों के साथ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं ललन सिंह। कांग्रेस ने ठुकराया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे खड़गे, सोनिया और अधीर रंजन, कहा बीजेपी और संघ का है ये कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीकांड पर दिया बयान, बोले संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी उस समय गोली। विवादित ढांचे की तोड़फोड़ पर भी बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश और बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने की थी ये तोड़फोड़। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के अयोध्या जाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, ये लोग दो मुहे वाले सांप है, अपने बच्चों का मुंडन कराने जाते हैं, बालाजी करते हैं दर्शन पूजन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का प्लान, 2019 से अधिक सीटों पर लड़ेगी इस बार चुनाव। बीजेपी की पहले लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के होंगे नाम, 164 कमजोर सीटों पर बीजेपी का रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया उद्घाटन, गांधीनगर के महात्मा मंदिर में किया गया है भव्य आयोजन। वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा, जल्द ही भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बुक और वेबसाइट लॉन्च करके बताएंगे यात्रा का उद्देश्य। अनुच्छेद 370 पर निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की ओर से याचिका, निर्णय पर फिर से अपील, विचार की अपील। उत्तर प्रदेश में मदरसे के टीचरों को मिलने वाले रकम पर सरकार ने लगाई रोक, समाजवादी सरकार की योजना बंद कर दी, आधुनिकीकरण करने का दिया है हवाला। चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत, 3 मामलों में अदालत से मिल गई उन्हें जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक के लिए बढ़ गई। भारत की सख्त के बाद मालदीव के पर्यटन पर पड़ा बुरा असर, राष्ट्रपति मोइज़ू ने चीन से अधिक पर्यटकों को भेजने के लिए लगाई गुहार। असम के 3 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा, मां कामाख्या में मां की पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना, कहा इतना अन्याय करने के बाद आज निकाल रहे हैं ये लोग न्याय यात्रा। अठारह जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए स्थगित की। उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी, दूसरी ओर राजस्थान और मुंबई में हुई है बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी में इस साल आई है कमी।